तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल द रियल लाइफ इंसिडेंसेस रिलेटेड टू ओशिनोको। सो ही इट्स सैम एंड यू वाचिंग इट्स सैम। केपॉप और एनिमे फैंस की लड़ाई तो तुमने बहुत देखी होगी, पर क्या तुमने ये एनिमे देखा है जिसमें एक आइडल को उसी का फैन मार देता है? और यही सेम सीन रियल लाइफ में हो चुका है। ओशिनोको एक सुपरहिट मांगा और एनिमे बाय आका आकासा, जिसने बड़े बड़े शोज जैसे अटैक ऑन टाइटन और डीमन स्लेयर को भी पीछे छोड़ दिया था, ये रियल लाइफ से बहुत रिलेटेड है। और ये शो एक्सप्लोर करता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की डार्क साइड, कि कैसे हर एक फेमस इंसान को एक मास्क पहन के रहना पड़ता है ताकि लोग उनकी असलियत न जान पाए, और उन्हें कितना फेक बनना पड़ता है जस्ट टू बी अ पिक्चर परफेक्ट पर्सन फॉर एवरीवन। और उसके बाद भी इफ यू गेट इनटू एनी कंट्रोवर्सी तो तुम्हें कितना बड़ा बैकलैश लेना पड़ता है बाय योर ओन फैंस। कभी भी तुम्हारे सपोर्टर्स खुद तुम्हें नीचे गिरा सकते हैं, और यही सब हमें दिखाया गया है ओशिनोको में। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक एंड बात करते हैं ओशिनोको और इससे रिलेटेड रियल लाइफ इंसिडेंसेस के बारे में। फर्स्ट केस है मायो टोमिटा का, जैसे आई ओशिनोको उसी के ऑब्सेसिव फैन ने मार दिया, वैसा ही एक सेम केस रियल लाइफ में हो चुका है। 2016 में एक जापानीज पॉप आइडल को उसी के फैन ने 61 टाइम्स स्टैब किया जस्ट बिकॉज शी रिटर्न्ड हिज गिफ्ट। एक फैन थ्योरी ये भी है कि ओशिनोको के क्रिएटर ने इसी इंसिडेंट को देख के स्टोरी लाइन क्रिएट की थी। फॉर्चुनेटली मायो बच गई थी उस दिन, बट शी वॉज सिवियरली इंजर्ड दैट डे। सेकेंड केस है हाना किमुरा का। रुको रुको, आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर कर दो। जैसा कि हमने एपिसोड 6 में देखा था, अकाने के नेल से यूकी के फेस पे कट लग जाता है। बात तो छोटी सी थी बट सोशल मीडिया ने उसे बहुत बड़ा बना दिया। उसे इंसल्ट मिलने लगे, उसे क्रिटिसिज्म मिलने लगा, और इवन उसे डेथ थ्रेट्स मिलने लगे। एंड इंड्योरिंग इट अलोन शी कुड ओनली सी वन वे ऑफ एस्केप, एंड दैट वॉज टू कमिट सुसाइड। एंड यही सिमिलर केस हम देखते हैं हाना किमुरा के केस में। जब हाना के फेलो कास्ट मेंबर ने उसकी यूनिफॉर्म खराब की, तब हाना ने उसकी कैप निकाल के फेंक दी एक रियलिटी टीवी शो पे। एंड दिस इंसिडेंट वॉज फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ बुलिंग ट्वीट्स, और हाना इस साइबर बुलिंग को सह नहीं पाई एंड शी डिसाइडेड टू एंड हर लाइफ। और ये सिमिलैरिटीज हाना की मदर को पता चली एंड शी वॉज रियली अपसेट विद द क्रिएटर, बिकॉज उनको लगा कि उनकी बेटी की मौत को यूज किया जा रहा है एज अ स्टोरी। बट इन रियलिटी ओशिनोको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की डार्क रियलिटी को बताने के लिए बना है। केस 3 फुजिसागी नागी। जैसा कि हमने आई होशिनो के केस में देखा था, आइडल वर्ल्ड में रिलेशनशिप्स या पर्सनल लाइफ को छुपा के रखना एक अनसेट रूल है। मगर क्यों? क्योंकि उन्हें ऑनलाइन बुलिंग, हरासमेंट और प्राइवेसी एक्सप्लॉयटेशन का डर रहता है, और यही रूल फॉलो किया फुजिसागी नागी ने। ये एक पॉपुलर जापानीज आइडल है जिन्होंने एक टॉक शो पे अपनी लाइफ की रियलिटी बताई। नागी ने बताया कि वो एक सिंगल मॉम है और उनके 2 बच्चे हैं। नागी के हिसाब से वो अपने बच्चों को सीक्रेट रखना चाहती थी, बट जैसे उन्हें बुली किया जा रहा था और उनके बच्चों के लिए मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी, इन सब से तंग होकर उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वो अपने बच्चों के बारे में सबको बता देंगी। एंड फॉर्चुनेटली नागी को उनके फैंस का सपोर्ट मिल रहा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे रियल लाइफ इंसिडेंसेस ओशिनोको से रिलेट करते थे। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई वुड लाइक टू से ओनली वन थिंग, फैंस बनना सही है बट ऑब्सेसिव फैंस बनना सही नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सेलिब्रिटी हो या आइडल, दे ऑल आर ह्यूमन ओनली। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।